This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volka Foods International. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Max News ke special bulletin ke saath main hoon Sayyed Asif Abbas, Vice Chancellor MNS Zarai University kehte hain Junubi Punjab suba banne se खित्ते की ज़रात सबसे ज्यादा तरक्की करेगी। जामे में मैंगो म्यूजियम का क्याम उनका ख्वाब है। हाइब्रिड बीजों पर तहकीक जारी, कपास का दौर वापस लौटेगा। कॉटन बेल्ट में शुगर मिलें लगने से गन्ने की काश को फरोग मिला। हम सिर्फ डिग्रियां ही फराम नहीं करते, अमली तरबियत भी देते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी नौकरियों के बजाय और कशिश बरात पर निजी शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पंजाब के बजट में ज़राअत को बहुत अहमियत दी गई है। मुल्तान में कॉलोनियां बनने के बावजूद आम की पैदावार और एक्सपोर्ट बढ़ गई। ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है, आने वाली नस्लों की बका के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना होगा। गंदम की कमी, फूड सिक्योरिटी का मामला, किल्लत पर काबू पाने के लिए तजर्बात जारी हैं। चंद सालों में फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। यूनिफ्रेश सिस्टम के तहत काश्तकारों को एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू एडिशन की तरबियत दी जाती है। मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल आम के काश्तकारों ताजरों के लिए सूदमंद साबित होगा। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का मलक मोहम्मद अकबर वैर से तबादला ख्याल। मैंगो फेस्टिवल मुल्तान और इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर तनवीर अहमद का मक्स न्यूज और बदलता जमाना से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इवेंट में जहां शहरियों के लिए रंगारंग तकरीबात होंगी, वहीं पर काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी का इलम और बराह रास्त खरीदारों से मिलने के मौके भी मिलेंगे। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली से चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज और एडिटर बदलता जमाना मलक मोहम्मद अकमल वैंस की खसूसी मुलाकात, मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर मुल्तान और इस्लामाबाद में होने वाले मैंगो फेस्टिवल के हवाले से तफसीली बातचीत। मैनेजर इंडस्ट्रियल लिंकेज एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर आबिद हुसैन, चेयरमैन शोबा हार्टिकल्चर डॉक्टर तनवीर अहमद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिकेशंस माहर रियाज अहमद हिराज भी मुलाकात में शामिल थे। इस मौके पर बदलता जमाना और मक्स न्यूज के पैनल में चीफ रिपोर्टर तारिक इस्माइल, न्यूज रिपोर्टर इमरान शहजाद और PA2 एडिटर फहीम हसन भट्टी भी शामिल थे। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा बनने से ज़राअत को तरक्की मिलेगी और यही वो शोबा है जो नया सूबा बनने से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रीजन के ग्रोथ का तमाम तर इनसार ज़राअत पर होगा और नए सूबे के क्याम से भी ज़राअत की तरक्की के साथ मुल्क भी मजबूत होगा, क्योंकि पंजाब अब इस कदर बढ़ चुका है कि अब जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था ज़रई यूनिवर्सिटी में मैंगो म्यूजियम बनाना उनका ख्वाब है। खित्ते में कपास के फसल की मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वाइस चांसलर MNS यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी मेंबरान के हवाले से कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे फैकल्टी मेंबरान अंदरून मुल्क से लेकर बैरून ममालिक तक मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि वो एक मिड सेंचुरी अचीवमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं कि 2050 तक हमारी आबादी और खुराक की जरूरियात किस तरह की होंगी और हमें अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। सर यूनिवर्सिटी महकमा ज़राअत के साथ मिलकर इस पर हम काम कर रही है। मिड सेंचुरी अचीवमेंट प्रोग्राम में तमाम तर तवज्जो ज़राअत पर दी गई है। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमने इसकी बुनियाद इस इदारे की रखी डाइवर्सिटी पर, कि हमें इसको एक होती जो मोनोफोकस हो जाती है ना चीज़ें, जो कहते हैं कि नैरो बीम फिटिंग, मैं बेसिकली जेनेटिक सिस्टम, तो वो स्पीशीज जो नैरो बीम पर फिट होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वो सर्वाइव करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो इस इदारे को भी हमने एक डाइवर्स इदारा बनाना चाहा, जिसमें क्योंकि इसकी इकोलॉजी बड़ी डाइवर्स है, इसलिए जो हमारा साउथ पंजाब है इसमें आपको पहाड़ भी मिलेंगे, इसको में आपको चोलिस्तान भी मिलेगा, इसमें आपको मैदानी इलाके भी मिलेंगे, इसमें इरीगेटेड भी मिलेंगे, इसमें बरानी भी मिलेंगे,
इसमें भेड़ बकरियों वाले भी मिलेंगे, इसमें अच्छे बागों वाले भी मिलेंगे, इसमें बहुत बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर जो हर वक्त कटिंग एज नॉलेज की को देखते रहते हैं और उनपे उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो लोग भी हैं और जो बहुत छोटे छोटे जिम्मेदार भी हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी को रब ने खूबसूरती दी है, इसी में जिंदगी रखी है। तो हमने इस इदारे की एक जो हम कहते हैं कोर वैल्यू, वो डाइवर्सिटी को रखा। हमारे पास जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं ना, वो आपको एबटाबाद से लेके और कराची तक के फैकल्टी मेम्बर मिलेंगे। हमारे पास आपको अमरीका से लेके और जापान तक के, पाकिस्तान के, चाइना के PhD किए हुए में आपको मिलेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलेंगे। हमारे पास जो तलबा हैं उनको हमने इंगेज किया और उनके शौक पूरे करने के लिए हमारे पास, मैं मुझे बड़ा फख्र है, शुक्र है रब की ज़ात का, जो हमारा मुअज्ज़िन है बच्चा इस वक्त, उसको सर्टिफाई किया मस्जिद नबवी के इमाम ने, वो एक फाउंडेशन है, उन्होंने उसको सर्टिफाई किया। इसी तरह करके हमारे पास बच्चे नात पढ़ने वाले बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। इसी तरह करके गाना गाने वाले बड़े अच्छे मिलेंगे आपको, अरफाना कलाम पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे। सो इसमें हमने डाइवर्सिटी क्रिएट की और इसी में खूबसूरती है। इससे इम्पैक्ट क्या है, आप लोग भी इसको देखते रहते हैं, बाकी इदारों को भी देखते रहते हैं, आपको मेरे इदारे से नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। हम एक फिलॉसफी उसको कहते हैं हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस को प्रमोट करें, यार खुश रहो, अल्लाह ताला इन्हें वारिस है, और जो अपने ज़िंदगी के शौक हैं, अपना पैशन है, उस पर काम करो और उस पैशन के साथ आगे बढ़ो। तो उससे एक एक एंगेजमेंट है फैकल्टी में ना स्टूडेंट्स में, कोई कोई अनरेस्ट नहीं है। तो वो जो पॉजिटिव एक वेव है ना, उसने इस इदारे को एक अपनी पहचान दी। सूबाई बजट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि पंजाब के बजट में ज़राअत को बहुत अहमियत दी गई है और तारीख का ये सबसे अहम बजट है जिसमें ज़रई शोबे को तरजीह मिली है। कॉलोनियों के क्याम के हवाले से उन्होंने कहा कि कॉलोनियाँ काट ली जाती हैं और उन पर 30-30 साल आबादी नहीं होती, ये ज़मीनें ना ज़राअत के काबिल रहती हैं और ना ही रिहाइश के, इस हवाले से भी कानून साजी की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि उन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी को संतों से लिंक किया है, SM फूड्स, बोलका इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस रीजन के अंदर ज़राअत में एक एनर्जी नज़र आती है, एक कोहियर नज़र आती है, एक पार्टिसिपेशन नज़र आती है। उससे हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इस वक्त हम वीट के अंदर एक नया सिस्टम ले आए हैं जो हाइब्रिड वीट का बड़ा, फिर हाइड्रोपोनिक्स का हमने यहाँ पे सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा ये जो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है, फिर ओवरऑल कम्युनिटी सर्विस है, ट्री प्लांटेशन फॉर एग्जांपल आप देखे हुए थे, हमने इसकी ओवरऑल इस रीजन की लैंडस्केप चेंज करने की हम बात कर रहे हैं कि इसको एडिबल लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दें। जितने इदारे हैं उनको हम यानी हमारे पास जो स्टूडेंट्स का, हमने 2016 से एक सोसाइटी बनाई प्लांट फॉर लाइफ के नाम से, क्योंकि हमें पता था कि लोगों ने सांस भी लेना है और ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। और हम अप्रिशिएट करते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और बड़ा क्लियर अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी उस पर बड़ा फोकस है। तो हमारे पास उसके स्पॉन्सर भी बड़े हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लगाने में भी कार्य खैर करते हैं। हमने स्टूडेंट्स को अटैच कर दिया एक स्पिरिट के साथ कि ये दरख्त कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे इसके साथ दरख्त की मोहब्बत हमने पैदा की। फिर एक जो हमने मेजर ब्रेक थ्रू किया ना एज यूनिवर्सिटी, जो बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं है, वो जितनी इंडस्ट्री थी उसको इसके साथ लिंक कर, हमने इंडस्ट्री का ट्रस्ट भी नहीं किया। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे बोलका फूड और SM फूड्स के नाम से बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो उनका फूड से रिलेटेड काम है, तो उनके साथ हम बेपनाह प्राइवेट, लेकिन एक जो है ना वो है जो पास्ता का, उनने पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा प्लांट और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी जो एक डिमांड है ना एक्सपोर्ट के लिए वो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ वीट चाहिए होती है, ड्यूरो वीट, हार्ड वीट उसको कहते हैं, तो वो बेसिकली इम्पोर्ट कर रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों से। तो हमने उसको यहाँ पे उनकी क्वालिटी के मुताबिक मैच करके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ग्रो करके उनकी प्रोक्योरमेंट का एक सिस्टम बना दिया। तो ये तो अब हमने वो इंडस्ट्री हमारे साथ, क्योंकि जाहिर है इंडस्ट्री को इनोवेशन चाहिए होती है, इंडस्ट्री बगैर नई नॉलेज के, नई इनोवेशन के, नई प्रोडक्ट के बगैर वो आगे नहीं जा पाती। तो ये काम इदारों का है, तो ये हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, चाहे नेशनल कंपनियाँ हैं, चाहे लोकल इंडस्ट्री है, तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है फीड मिल से लेके और ये पास्ता प्लांट तक और ये पेस्टिसाइड कंपनियों से लेके और मल्टीनेशनल सीड कंपनियों तक, हर कोई हमारे साथ रिलेटेड है। फर्टिलाइजर वाले एग्रो वालों ने यहाँ पे हमारे पास बनाई है लर्निंग एकेडमी,
वायर वाले मार्बल बना रहे हैं, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने एस्टेब्लिश करके दी हैं। सिंजेंटा ने फॉर एग्जांपल जो वीडिसाइड की इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैनेजमेंट की लैब्स एस्टेब्लिश करके दी हैं, ओवरऑल एक बायो सेफ्टी के और जो लैब सेफ्टी के लिए जो है ना एस्टेब्लिशमेंट्स करके दिए, एस्टेब्लिश करके दिए। एंड मोर ओवर यू नो वी अगेन जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, इवन ये इंडस्ट्री अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमारी प्रोडक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमने कोशिश की है जो भी बंदा उस जिम्मेदार की ज़िंदगी में उसकी वैल्यू चेन में हेल्प करे तो उसके साथ हम अपने स्ट्रेंथ को कम्प्लीमेंट करें और उसको लेके आगे चलें। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि एम एन एस रे यूनिवर्सिटी के 86% तलबा और तालबात तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी नौकरियों की बजाय निजी शोबे में पुरकशिश मराद पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्रियाँ नहीं दी जाती, अमली तरबियत को तरजीह दी जाती है, तलबा और तालबात की किरदार साजी पर भी तवज्जो दी जाती है। पानी की किल्लत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहना था कि जेर ज़मीन पानी कम हो रहा है और हम अपने हिस्से का पानी सर्फ कर चुके हैं, जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये आने वाली नस्लों का है और हमें पानी की बचत पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि नए बागात लगाने के लिए कानून होना चाहिए कि इसमें ड्रिप इरीगेशन का निज़ाम हो ताकि कम पानी से बागात की आबियारी हो। हमने ये इदारा आपके सामने है, हमने सारा सफर तय किया 2016 में जब मैंने आके ज्वाइन किया, तो उस वक्त मसाइल ही मसाइल थे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिसमें हमारे मैंने आके द बेसिक थिंग आई डिड इज कि मैंने इस इदारे के लिए यहाँ के लोगों की ओनरशिप क्रिएट की, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो यहाँ के लोग थे, चाहे पड़ोसी थे, या वो लोग भी इवन जो यहाँ पे बैठे थे जिसको हम इलीगल ऑक्यूपेशन कहते हैं, ये जो बड़े अरसे से बैठे हुए थे, तो वो भी स्टेक उनको भी मैंने अपने साथ एंगेज किया और ये बताया कि ये इदारा जो है ये अभी इस नस्ल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए है, जिससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मोबिलाइज हुई और हम इस काबिल हुए कि हम एक अच्छा डिसेंट कैंपस बना सकें। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया कि हमने इस इदारे को थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश की कि जी सिर्फ हमने इसको जो डिग्रियाँ देने का इदारा नहीं बनाया, हमने इसकी बुनियाद रखी नॉलेज डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, और फिर वो जो स्टूडेंट्स हमारे जो ट्रेंड हों उसको भी हमने ब्रांड करना चाहा कि जी उनके पास इलम भी हो और उनके पास स्किल भी हो, एक कम्बिनेशन, ताकि वो सही रेलिवेंट हों और वो पॉपुलर हों। और उसका फिर एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट आया कि हमारे 86% बच्चे अब जो हैं वो या तो अपने खुद बिजनेस कर रहे हैं या वो प्राइवेट सेक्टर को सर्व कर रहे हैं या और बड़े बड़े जिम्मेदारों कर रहे हैं, ओवरऑल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में वो मौजूद हैं। तो हमने वो जो एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है ना कि सरकारी नौकरी, उससे हमने थोड़ा सा इसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और इस तरह करके हमने ब्रांड करना चाहा अपने इदारों को। तो इसमें हमारी एक तो एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी स्टूडेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर वाले प्रेफर करते हैं हमारे ग्रेजुएट्स को क्योंकि ये इनके पास इलम के साथ साथ इनको काम आता भी। फिर हमने जो रिसर्च पे फोकस किया, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमने इसकी बुनियाद इस इदारे की रखी डाइवर्सिटी पे कि हमें इसको एक होती जो मोनो फोकस हो जाती है ना चीज़ें, जो कहते हैं कि नैरो बीम फिटिंग, मैं बेसिकली जेनेटिक सिस्टम, तो वो स्पीशीज जो नैरो बीम पे फिट होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वो सर्वाइव करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो इस इदारे को भी हमने एक डाइवर्स इदारा बनाना चाहा जिसमें, क्योंकि इसकी इकोलॉजी बड़ी डाइवर्स है, इसलिए जो हमारा साउथ पंजाब है इसमें आपको पहाड़ भी मिलेंगे, इसको में आपको चोलिस्तान भी मिलेगा, इसमें आपको मैदानी इलाके भी मिलेंगे, इसमें इरीगेटेड भी मिलेंगे, इसमें बरानी भी मिलेंगे, इसमें भेड़ बकरियों वाले भी मिलेंगे, इसमें अच्छे बागों वाले भी मिलेंगे, इसमें बहुत बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर जो हर वक्त कटिंग एज नॉलेज की को देखते रहते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो लोग भी हैं और जो बहुत छोटे छोटे जिम्मेदार भी हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी को रब ने खूबसूरती दी है, इसी में ज़िंदगी रखी है। तो हमने इस इदारे की एक जो हम कहते हैं कोर वैल्यू, वो डाइवर्सिटी को रखा। हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, वो आपको एल्टाबाद से लेके और कराची तक के फैकल्टी मेंबर मिलेंगे, हमारे पास आपको अमेरिका से लेके और जापान तक के, पाकिस्तान के, चाइना के PhD किए हुए आपको मिलेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलेंगे, हमारे पास जो तलबा हैं उनको हमने एंगेज किया और उनके शौक पूरे करने के लिए हमारे पास, मैं मुझे बड़ा फख्र है, शुक्र है रब की ज़ात का, जो हमारा मौज़न है बच्चा इस वक्त
उसको सर्टिफाई किया मस्जिद नबवी के इमाम ने, वो एक फाउंडेशन है, उन्होंने उसको सर्टिफाई किया। इसी तरह करके हमारे पास बच्चे नात पढ़ने वाले बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, इसी तरह करके गाना गाने वाले बड़े अच्छे मिलेंगे आपको, अरफाना कलाम पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे। सो इसमें हमने डाइवर्सिटी क्रिएट की और इसी में खूबसूरती है। इससे इम्पैक्ट क्या है, आप लोग भी इसको देखते रहते हैं, बाकी इदारों को भी देखते रहते हैं, आपको मेरे इदारे से नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। हम एक फिलॉसफी उसको कहते हैं हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस को प्रमोट करें, यार खुश रहो, अल्लाह ताला इन वारिस है, और जो अपने जिंदगी के शौक हैं, अपना पैशन है, उस पर काम करो और उस पैशन के साथ आगे बढ़ो, तो उससे एक एक एंगेजमेंट है फैकल्टी में ना स्टूडेंट्स में, कोई अनरेस्ट नहीं है, तो वो जो पॉजिटिव एक वेव है ना, उसने इस इदारे को एक अपनी पहचान दी। सो उसमें हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब ये इस तरह की एक इकोलॉजी, इसको हम कहते हैं लर्निंग इकोलॉजी जब क्रिएट होती है, तो उसमें फिर हमने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है डिलीजेंस का, कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें यूनिवर्सिटी का हर बंदा इन्वॉल्व होता है। हर हफ्ते मैं एक मीटिंग करता हूँ, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, हर चेयरमैन अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग करता है, एनुअल हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, हम उसमें इंसेंटिवाइज करते हैं जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको करते हैं, और यू नो जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, आज भी फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का हमारा क्रिकेट का एक शुरू हो रहा है टूर्नामेंट, तो इस तरह करके यू नो जो जिंदगी है लाइफ लाइवली हमने इस पर रखा हुआ कैंपस को। कोविड के दिनों में भी हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिविटी से काम शुरू किया, और हमने बहुत अपने टीचर्स की ट्रेनिंग की कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, हमने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की, उनको एक्सेस दी, उनको जो जो रिसर्च कर रहे थे उनको थोड़ी थोड़ी तादाद में आने भी दिया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी उतनी अहम है जितनी यू नो जो कोविड से बचना अहम था, तो उसको हमने जो एमएससी पीएचडी की रिसर्च वाले बच्चे थे वो अपने काम साथ साथ करते रहे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हमने जहाँ हमें थोड़ी सी गुंजाइश मिली उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की कोशिश की, ताकि कुछ कमी ना रह जाए। दूसरी जो अहम बात है ना, जो जिस पर आप गौर करेंगे, जो पिछला सेमेस्टर गुजरा आपने देखा होगा बच्चों ने जुलूस निकाले कि हमने तो ऑनलाइन एग्जाम देने हैं, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत एलिमेंट कि इधर उधर से आया, लेकिन एंड ऑफ द डे हर बंदे ने हर बच्चे ने ये रियलाइज़ किया कि हमें इम्तिहान बैठ के देना चाहिए। क्योंकि मेरी बड़ी एक क्लियर फिलासफी है कि जो अगर हम अपने बच्चों को जिसको कहना चाहिए ना यू नो फैलेसी में या दो नंबरी में जिस लैंग्वेज में करें, उस तरह के हमने नहीं पढ़ा, हमने अच्छा हो माड़ा हो जैसा है हम सामने खड़े हैं जनाब, ये जरूरत हमने उनमें पैदा करने की कोशिश की। वो आए यहाँ फिजिकल बैठ के उन्होंने इम्तिहान दिए, फिर एक यू नो ये वेव आई, उसमें हमने अपनी एडजस्टमेंट की, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर बच्चे यहाँ पे हैं। सो ये जो करेक्टर बिल्डिंग है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है मेरे इदारे के अंदर, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एजुकेशन। इसमें हम बाकायदा कोर्सेज भी देते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस के भी कोर्स देते हैं, एक दूसरे की बात सुनने की भी, जो बर्दाश्त करने की जो टॉलरेंस की कैफियत है उसको हम उजागर करते हैं। उसमें हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड, और हम अपने बच्चों पे फख्र करते हैं, और वो हमारा ब्रांड है, बच्चे अब फख्र करते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं, और यही मेरा ख्वाब था कि वो जो हमारा एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो कि बच्चे यहाँ पढ़ के, जो जब मैं आया यहाँ पे तो 2016 में तो लोगों को पता नहीं था भाई यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने आया कैंपस है। फिर हमने जो रिसर्च की अगर देखें कि जी हम क्या क्या कर रहे हैं, तो जो जो मेरी फैकल्टी है ये फिर फंड्स के लिए कम्पीट करती है, कम्पीट करके हमारे पास इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट भी हैं तीन है कम अज़ कम, जो जर्मनी के फंडेड है टीम आ रही है हमारे पास 24 रात को इंशाल्लाह जी पहुँचेगी जो बायोडाइवर्सिटी पे, चाइना के साथ हमारे बेपना कलेबोरेशन हैं, डिफिड के हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, जो नेशनल एजेंसीज हैं। तो हमारा फैकल्टी मेंबर जब किसी कंपटीशन में अपनी ग्रांट सबमिट कराता है ना, वो अप्रिशिएट होती है। उसकी रीज़न पीछे ये है कि मेरा फैकल्टी मेंबर बाकी यूनिवर्सिटियों के टीचरों से मुख्तलिफ है, उसको ये पता है, उसको ये नहीं पता सिर्फ मैंने क्लास पढ़ानी है अस्सलाम वालेकुम, नो नो, उसको अपने स्टेक होल्डर्स का पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़िश का मेरे पास रिसोर्स है, एक बच्ची है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको पता है कि फ़िश फार्म कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन कर रहे हैं, वो फ़िश फार्म वालों से एंगेज है, फीड कौन बना रहा है, और कौन कौन से यू नो फिशरीज की के कंपोनेंट्स हैं, हर स्टेक होल्डर से, इस तरह मैंगो वाले अटैच हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से एक ना एक जो एक एनर्जी ये आई, एक तो वो जो हमारे फैकल्टी मेंबर थे उनको उनका जो इंटेलेक्ट है उसकी राइट यूटिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो ये दिमाग का नाम है, इंटेलेक्चुअल यू नो जो
डिस्कोर्स है, तो उसको वो पॉजिटिवली एंगेज हैं और वो अपने स्टेक होल्डर के साथ मिलके वो जो नॉलेज, बेसिकली नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं होता सर, नॉलेज इंसानों के पास भी होता है, नॉलेज ज़मीन पे पड़ा हुआ भी होता है, नॉलेज खेतों में भी होता है, नॉलेज एक्सपीरियंस में होता है, तो वो सारे का सारा नॉलेज की क्रॉस सेक्शन होता है, जिसको कहते हैं क्रॉस कल्टीवेशन ऑफ आइडियाज होती है। डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि आम खित्ते की पहचान है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुल्तान की पहचान आम से है और यूनिवर्सिटी में मैंगो म्यूजियम बनाना उनका ख्वाब है। मैंगो म्यूजियम में आम की अब तक जितनी भी इकसाम मुतारिफ हुई हैं, इनके तमाम का तारुफ और हवाला शामिल होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि MNS ज़रई यूनिवर्सिटी 2016 से मुसलसल मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है और इससे आम के काश्तकारों को मार्केटिंग तक बराह रास्त रसाई हासिल होती है। उन्होंने कहा कि मैंगो फेस्टिवल मेले की जदीद किस्म है और गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्तान के साथ इस्लामाबाद सैनिटोरियस में भी आम का 3 रोज़ा फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब के मशीर और सरमायाकार बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर अलियास खान का तावुन हासिल होता है। देखिए जी, गवर्नमेंट के कुछ चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यूस होती हैं, वन लाइनर सोल्यूशन कभी नहीं होता, हर दिन प्रॉब्लम भी चेंज होते हैं और उसके सोल्यूशन भी चेंज होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा अब इस वक्त ज़रूरत ये है, एक तो हमारा जो जिम्मेदार है वो छोटा होता जा रहा है, हमें ना मार्केटिंग कोऑपरेटिव बनाना चाहिए, वो उसको पुल करेंगे और उन मार्केटिंग कोऑपरेटिव के जरिए हम सर्विस प्रोवाइड भी करें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस करें। इसके अलावा जो हमें जो एक प्राइसिंग का सिस्टम है, ठीक है, उसका भी एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जी हम किसी भी सौदे को जिम्मेदार के पास, तो उसका एक तो जिम्मेदार पूरी दुनिया में ना किसी तरह सब्सिडाइज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर के नीचे है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, गर्मी आई, बारिश आई, ओले पड़ गए, काम खत्म हो गए, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जो इस तरह की सूरत हाल में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हो ना, उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती, तो हमें उस मैकेनिज्म एक इस तरह का बिल्ट इन होना चाहिए कि एक मिनिमम लेवल जिम्मेदार तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पहुंचता रहे और जो अपने अपना बाकी बिजनेसेस हैं वो थोड़े डॉक्यूमेंट हों और जो ड्यू शेयर है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को चला जाए, इंडस्ट्री का इंडस्ट्री को चला जाए, जिम्मेदार का जिम्मेदार को चला जाए। अब लेकिन यू नो पिछले दौर में जो अब रिसेंटली अब इम्प्रूवमेंट उसमें आ रही है, अगर हम पिछले साल के सिनेरियो देखें तो जिम्मेदार की गंदम बिकी है 1350 की और जो कंज्यूमर को मिली है वो मिली है 2500-2600 रुपये में, तो वो दरमियान में कहीं ना कहीं उसका ड्यू शेयर उसको बेचारे को जाना चाहिए, उस फार्मर को जाता, उससे वो अगली क्रॉप पे इन्वेस्ट करता, उसका एक इम्पैक्ट आता। सो हमें वो जो जो इस तरह की चीज़ें, और मैं आई अप्रिशिएट जो जो बेसिक काम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, वो इन्हीं चीज़ को जिसको हम माफिया कह लें कुछ कह लें कि जी वो ख़त्म हो, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, हर एक का ड्यू शेयर हो, हर बंदे ने बिल्कुल जो बिजनेस करने वाला उसको ज़रूर पैसे बचने चाहिए, जो कंज्यूमर है उसको एक रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, लेकिन जो ग्रो कर रहा है उसको भी उसका हिस्सा अकॉर्डिंगली आना चाहिए। ये ना हो कि वो तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी ना हो और प्रॉफिट का मेजर शेयर कहीं और चला जाए, इस चीज़ को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंगो फेस्टिवल में हम एनर्जाइज करते हैं पूरे रीजन को, उसमें फेस्टिविटी शामिल करते हैं, हम जो यूथ है ना उसको वो चीज़ याद दिलाते हैं कि यार ये मैंगो कितना अहम था और हमारी रोजी रोटी के साथ, और हमारी हम तो आम के साथ रोटी खाया करते थे, तो इसकी कितनी अहमियत है, उसमें फिर वो एंजॉय भी करते हैं, फेस्टिविटी भी, लोगों को भी। हमारे मुल्तान में और है क्या? मेरा भी इन ईयर इंशाल्लाह जीरो किस दिन पूरा होगा कि हम यहाँ मैंगो म्यूजियम इस रीजन में बनाएंगे, जितनी आज से मैंगो की हिस्ट्री है और जहाँ से है उसको वो प्रिजर्व होगी और उसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन हम ये एक मॉडर्न, ये जो फेस्टिवल है ये मॉडर्न फार्म है, एक मेले जिसमें वो सारा कुछ ही मार्केटिंग से लेके और फेस्टिविटी तक सारा कुछ हुआ है। उसमें हम फिर मैंगो ईटिंग का कंपटीशन कराते हैं, मैंगो से कौन कौन सी डिशेज बन सकती हैं, तो एक डाइवर्सिटी है जिसका। ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली ने वैल्यू एडिशन बारे में सवाल के जवाब में कहा कि आम नाजुक फल है और हमारे यहाँ इसकी पैकिंग लकड़ी की सख्त पेटियों में करके इसकी क्वालिटी ख़राब कर दी जाती है। हमने यूनिफ्रेश के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें छोटे काश्तकारों को आम की एक्सपोर्ट के वैल्यू एडिशन की तरबियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि लकड़ी की पेटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा और बहुत जल्द आम की पैकिंग गत्ते के डब्बों में ही की जा सकेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2016 से जनाब हमने ये शुरू किया
मैं यू नो मेरी ट्रेनिंग ऐसे है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बड़ा अगर रोल है कि अगर आपने ओनरशिप किसी इदारे की क्रिएट करनी है तो यू हैव टू डू आउटरीच, लोगों को बताना पड़ता है कि ये आप कहाँ हैं और लोगों को एंगेज करना पड़ता है ओवरऑल के में। मैंगो जो है ना वो इस इलाके की पहचान है मुल्तान का, जब भी आप पूरी दुनिया में कहीं नाम लो उसके जेहन में एक दफ़ा आम जरूर पहुँचता है, बहुत क्लैरिटी से। दूसरी बात ये कि जो हमारे जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदारों के बच्चे हैं इस इलाके के रहने वाले, जब उसकी फसल आती है ना तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ उसी वक्त होती हैं, उसके मेले उसी वक्त होते हैं, उसकी सेलिब्रेशन उसी वक्त होती है। तो इस इलाके की भी सेलिब्रेशन जब सादा दौर थे तो इसी के साथ एसोसिएट होती, फिर जब रूरल डेवलपमेंट पीछे कहीं रह गई और अर्बन फोकस डेवलपमेंट शुरू हुई तो वो हमारी रिवायात भी कहीं ना कहीं रह गई, इसका बड़ा फ़ायदा था। मसलन ज़रात का और मेले का एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप, जो मेला जाना बेसिकली टूल था मार्केटिंग का कि लोगों ने अपने सौदे करने आपस में, मेला टूल था नॉलेज एक्सचेंज का, यार मैंने तो इस दफा ये खाद डाली तो उसका ये इम्पैक्ट आया, ठीक है जी मैंने ये प्रैक्टिस की थी उसका ये इम्पैक्ट आया, नॉलेज एक्सचेंज का, एंटरटेनमेंट का, खुशी करना भी तो ज़रूरी है। जब तक आप खुशी ना ना करें आप पूरी तरह अपनी मेहनत भी नहीं कर पाते, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। और फिर जब आम की हम बात करें तो अगर हमने इसको इसको अब नए तकाज़ों के मुताबिक चलाना है तो हमें इंटरनेशनल नेशनल कम्युनिटी और आप जैसे और ये यू नो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जैसे अब टूल्स आ गए हैं चीज़ों को प्रमोट करने के, तो हमने खास ये की कि हम इस जो मैंगो इस इलाके की पहचान है जिसको कहते हैं कि जनाब ये कैपिटल है मैंगो का मुल्तान, इसकी हैसियत को हम उजागर करते हैं। हम जो एक्सपोर्ट मार्केट के लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, पैकेजेस वाले हैं, वैल्यू एडिशन वाले हैं, सब के लिए एक ना प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि इंटरनेशनल जो अम्बेसडर्स हैं, बायर्स हैं, मीडिया के ज़रिए खबर जाएगी कि यार आम तो असल है यही जो हमारा खाने वाला है और इसमें ये खूबियाँ हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आया। मैं समझता हूँ कि आप 2016 के बाद देखें तो आपको बाकी इट्स नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, जिसमें जब भी हम आम की मैं बात करूँगा उसमें मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा पंजाब का इदारा है, जो हमारा शुजाबाद का एक बहुत पुराना स्टेशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है। फिर इसी तरह सिंध के लोग हैं और वो जो सिंध के जो ग्रोअर्स हैं ना इसके मैंगो के ग्रोअर्स, उनकी बे इंतहा कंट्रीब्यूशन है। मैं नाम लेना चाहूँगा जनाब हामिद खान दुरानी, सलाह आम उन्होंने किताब भी लिखी, लेकिन उस बंदे की बेइंतहा कंट्रीब्यूशन है। 2 साल पहले फौत हो गए, हमने उनके नाम का यहाँ पे जन्मप्ला यूनिट बनाया, तो उनके पास बेपनाह इंडिजिनस नॉलेज भी और मॉडर्न नॉलेज से भी वो इक्विप्ड है। तो हमने उसको थोड़ा पैकेज किया इन फेस्टिवल्स के जरिए, उनको हर एक को यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट, तो उसमें मैंगो की हमारी एक्सपोर्ट भी ना हुई, कैपेसिटी बिल्ड हुई। हमने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड किया यूनिफ्रेश, उसका मकसद ये है कि हमारे जो छोटे जिम्मेदार हैं वो लकड़ी की पेटी में अभी देखो आम, दुनिया का सबसे अच्छा यूनिक चीज़ जो फ्रूट है ना वो ये मैंगो है और पाकिस्तान में तो है ही है, क्या ये अच्छा लगता है कि हम उसको लकड़ी के डब्बे में बंद करें और कीड़ियाँ ठोकें, क्या उस नाजुक चीज़ के साथ ये करना चाहिए। तो हमने एक सिस्टम दिया कि यार इसकी पैकिंग इसी नज़ाकत के साथ होनी चाहिए, उसको हमने यूनिफ्रेश के नाम से एक मॉडल दिया उन लोगों के लिए जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, ताकि उनको ब्रांडिंग का सिखाया जाए, उनको पैकिंग का सिखाया जाए, उनको प्रोसेसिंग का सिखाया जाए, उनको एक्सपोर्ट चेन के साथ लिंक किया जाए, उनको हाई एंड मार्केट मिल जाए, कि बजाय यू नो जो रेडियो पे बिकता उसके बजाय एक ब्रांड हो के जनाब ये मेरा है और ये मेरे 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 बाग की प्रोड्यूसर है, ये हमने प्रोटोकॉल उसमें फॉलो किए हैं जो मॉडर्न हम कहते हैं ना इसके फाइटोसैनिटरी प्रोसीजर्स और मैंगो वैल्यू चेन के सारे, उसमें लोगों को ट्रेंड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसमें सिंध के ग्रोअर भी हैं, पंजाब के ग्रोअर भी हैं, तो इसी तरह ट्रेनिंग में भी हम उनको साथ शामिल रखते हैं। तो इस साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी हुआ और हमने टीम बनाई हुई है, कंसल्टेंट टीम बनाई हुई है जो लोगों को जाके उनके खर्चे पे दे पेड, जब किसी चीज़ का पे करते हैं ना फिर उसकी वैल्यू भी होती है, उनको मॉडर्न बाग भी लगवा रहे हैं, उनको नर्सरी ग्रो करने की भी दे रहे हैं। एक हमने अब रिसेंट एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि जो आम के होगी ना नर्सरी
वो एक DNA टेस्टेड हो गया, आपको पता लग जाएगा ये फलाने आया बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से स्टैम्प। दूसरी बात, हमने जो नई काम इस साल से शुरू किया, पहले भी किसी न किसी फॉर्म में चल रहा होगा लेकिन अब उसको ऑर्गेनाइज किया, वो किया मैंगो ब्रीडिंग। कि हम जो आम खा रहे हैं, हमारे दो आम हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, एक चौंसा है और एक सिनेरी है, इसके अलावा भी हमारे पास डाइवर्सिटी भी बना है। तो वो हाईलाइट नहीं हुआ उसकी, वो मुख्तलिफ रीजन हो सकती है, ये भी हो सकती है उसकी यू नो शेल्फ लाइफ बड़ी थोड़ी है, और लेकिन मैंगो पाकिस्तान का जो खा रहा है जहाँ जहाँ पे, वो ज़्यादा पाकिस्तानी खा रहे हैं, तो हम जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं उसके मुताबिक भी हम ब्रीड करके मुख्तलिफ और वैरायटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो एक ड्राई मैंगो का हमने शुरू किया, माशाल्लाह इंडस्ट्री उसकी भी एक्सपेंड कर रही है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि रोजनामा बदलता जमाना और मक्स न्यूज़ ने मुस्बत सहाफत के जरिए मुख्तसर वक्त में अपना मुनफरद मकाम पाया है और मुस्तकबिल में भी बेहतरीन सहाफती इकदार का अमीन साबित होगा। उन्होंने मुस्बत सहाफत के जरिए कम वक्त में नुमाया मकाम हासिल करने पर बदलता जमाना के चीफ एडिटर इम्तियाज अहमद घुमन और एडिटर मलक मोहम्मद अकमल वैंस को मुबारकबाद दी और अदारे की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जनरली जो मीडिया है उसका एक काम अवेयरनेस और एजुकेट करना है लोगों का, जो हमारे साथ बिल्कुल मैच करता है और जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं मास्टर्स तक, उसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका इदारा हमेशा जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग है या पॉजिटिव जर्नलिज्म है उसको आप सपोर्ट करते हैं और हम बड़े इस बात से खुश हैं और वुड लाइक कि इस पार्टनरशिप को मज़ीद स्ट्रेंथन होना चाहिए। वैसे भी मैं फील करता हूँ कि हर चीज़ जो है ना उसका टाइम होता है, टाइम के साथ इवॉल्व होती है, डायनामिज्म होता है। एक दौर था जब अखबार बहुत पॉपुलर था और बहुत अच्छे अच्छे उसमें राइटर्स थे और एक क्रिटिकल एनालिसिस आता था, उसकी अहमियत अब भी है। मेरे ख्याल वो जो दरमियान में एक स्टेज आई ना कि जी जो जिसको कहते हैं ना एक पॉप म्यूज़िक होता है जिसकी लाइफ थोड़ी होती है, इस तरह एक पॉप न्यूज़ भी होती है। पॉप न्यूज़ ये है कि जी फलाने की पगड़ी उछाल लो, फलाने के मतलब बात कर लो, कई विदाउट बेस बात कर लो, वो एक आध दिन तो अखबार वो करता है उसको एंजॉय, लेकिन इन दी एंड लोगों में उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। सो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉजिटिव राइटअप की पहले भी बड़ी सख्त जरूरत थी और अब भी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ऐसे करते हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली के साथ खसूसी नशिस्त के मौके पर शोभा हार्टिकल्चर के सरबरा डॉक्टर तनवीर अहमद, डॉक्टर आबिद हुसैन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिकेशंस माहर रियाज हराज भी मौजूद थे। मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल के लिए डॉक्टर तनवीर अहमद और इस्लामाबाद के लिए डॉक्टर आबिद हुसैन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। इस मौके पर DHA मुल्तान में होने वाले मैंगो फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर अहमद ने बताया कि मुल्तान में 8 से 10 जुलाई तक मैंगो फेस्टिवल होगा। आम और मुल्तान कचौली दामन का साथ है और इस फेस्टिविटी का, इस त्यौहार का जो 2016 से ऑनवर्ड जो है यूनिवर्सिटी मुल्तान इसको बाकायदगी से मुनक्द कर रही है, इसका मकसद ये है कि आम की अहमियत को उजागर किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो तहकीकती इदारों से हैं, या जो ग्रो करने वाले किसान हैं या एक्सपोर्टर हजरात हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। तो इस साल जो हमारा फेस्टिवल करने का मेन मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर जो आम है इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। मैंगो जो है पाकिस्तान की एक बड़ी ही आम जो है एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो लास्ट ईयर 2020 में कोविड के बावजूद भी पाकिस्तान ने $72 मिलियन का जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, ऑलमोस्ट 125,000 मीट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट की आम की। इस साल 25% टारगेट इसका ज़्यादा है। हम जो हर साल ये मुनक़द करते हैं मैंगो फेस्टिवल, हमारा मेन मकसद भी यही है कि इसके अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया जाए और इसकी जो आम की अहमियत है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इकोनॉमी उसको भी उजागर किया जाए और दुनिया जो जो जिस चीज़ की डिमांड कर रही है उसके लिए भी जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो मुतारफ़ कराई जाए। तो इस सिलसिले के अंदर इस साल भी हम 8, 9 और 10 जुलाई को DHA मुल्तान एरिना के अंदर जो है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के तावन के साथ और DHA और बाकी जो इसके साथ मुंसलिक इदारे हैं
उनके तावन से हम 3 दिन का फेस्टिवल कर रहे हैं। इसके अंदर जो इसकी इनागुरेशन है, जो पहला सेशन है, उसमें गवर्नर पंजाब ने टाइम नियत फरमाया है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुल्क के सफरा जो हैं वो भी तशरीफ लाएंगे। मैंगो ग्रोवर्स, उसमें भी हमने 4 सूबों के जो ग्रोवर्स हैं मैंगो के उनको मदु किया है और वो भी अपने स्टॉल डिस्प्ले करेंगे। इस तरह इसके रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी उसमें डिस्प्ले करेंगे अपना सारा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इस दौरान जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और फार्मर्स की जो है जो उसके फार्मर्स के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी रहेंगी। डिफरेंट प्रोग्राम्स 3 दिन मुसलसल चलते रहेंगे। बेसिकली कोई भी त्यौहार होता है, जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने फरमाया कि कोई भी मेला जैसे होता था तो वो एक इकट्ठ जो होता था उसमें नॉलेज शेयरिंग भी होती थी, सारा कुछ होता था। ये फेस्टिविटी क्रिएट करने का पर्पज़ भी यही है कि लोगों के अंदर जो है वो आम की अहमियत का अंदाज़ा हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर जितना आप जैसे DHA में आपने पहले कहा कि काफ़ी सारे मैंगोज कट गए, तो उसको अलहमदिल्ला नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान ने जो है बड़ा अच्छा जो उसको ट्रांसफॉर्म किया स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत। तो जो ट्रीज कट गए वो तो कट गए, लेकिन उसके ओवरऑल जो प्रोडक्शन आपको मैंगो की उसमें डिक्लाइन नज़र नहीं आएगा। और फ्यूचर में भी ज़र यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है वो इस चीज़ को आगे लेके चलेगी कि हम इसके साथ जो है वो जहाँ पे मैंगो जो है मज़ीद जो है इसकी जो बागात उनको बढ़ाया जाए। इसी तरीके से DHA के साथ जो हम काम करने जा रहे हैं तो उन्होंने वादा किया है कि वो एक मैंगो के ऊपर रिसर्च के लिए एंडोमेंट फंड का भी उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करने को रेडी हैं। इस तरीके से वहाँ के ऊपर जितने DHA हैं जहाँ जहाँ भी हैं तो वो फार्मर एंड जो मार्केट है फार्मर्स को वहाँ पे अलाउ करेंगे, वो अपना फ्रूट सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड के साथ। तो इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो 3 दिन जो है जारी हैं। तो पहले दिन हम इनागुरेशन करने जा रहे हैं इस इवेंट की और उसके साथ हमारे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रहेंगे और शाम के वक्त हमारा वैरायटी शो होगा और ये तमाम एक्टिविटीज़ रात 10 बजे के करीब जो है वो क्लोज होंगे। फिर डेढ़ सेकेंड आएगा हमारे पास, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटिशन है रिलेटेड टू मैंगो फेस्टिविटी, उसमें मैंगो डिश मेकिंग कॉम्पिटिशन है और उसमें हम एक टेक्निकल सेशन करने जा रहे हैं स्मॉल ट्री सिस्टम के ऊपर जो MNSL यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने मुल्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें ट्रांसफार्मिंग मैंगो प्रोडक्शन थ्रू स्मॉल ट्री सिस्टम और उसके साथ मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन फॉर किड्स एंड एडल्ट्स है, म्यूज़िकल प्रोग्राम होगा और उसके बाद मल्टीलिंगुअल मुशायरा जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर जो शोरा हज़रात हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और हफ्ते वाले दिन जो लास्ट इसका इवेंट होगा उसमें हमारे पास किड्स वैरायटी शो है, फैशन रैंप वॉक है, इसमें हम डिफरेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, पपेट शो होगा, मैजिक शो फॉर किड्स है और उसके बाद कंक्लूजन से पहले हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम के ऊपर, इस 3 दिन के इवेंट के ऊपर के जो हमारे यहाँ जो मसाइल आम को दरपेश हैं और उसकी बेहतरी के लिए और उसके एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है। और हमारी क्लोजिंग सेरेमनी जो है शाम 4 बजे ये जो है इख्तिताम पज़ीर होगा हमारा इवेंट। मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से खसूसी तबादला ख्याल करते हुए सेंटोरियस इस्लामाबाद में होने वाले मैंगो फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आबिद हुसैन ने बताया कि इस्लामाबाद में होने वाला फेस्टिवल एक कौमी फेस्टिवल होगा जिसमें आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स शरीक होंगे। ये भी इस यूनिवर्सिटी का खासा है कि हम ना सिर्फ मुल्तान के अंदर जो एक फेस्टिवल है उसको हमने ज़िंदा किया बल्कि ज़िम्मेदारों की जो पहुंच है वो हमने हाई एंड मार्केट तक उसको लेके गए हैं। इस सिलसिले में हम पिछले 5 साल से जो है वो सेंटोरस इस्लामाबाद में हर साल जो है वो मैंगो फेस्टिवल करते हैं। वहाँ पे एक तो वैरायटी डिस्प्ले होता है, मुख्तलिफ जितनी हमारी वैरायटीज़ जो हैं वो 4 सूबों के अंदर बशमूल 5वां सूबा भी है गिलगित बल्तिस्तान और उसके अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर भी कुछ जगहों पे जो आम होते हैं तो वहाँ से जो है वो ज़िम्मेदारों को हम लेके जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी अपनी इलाकों की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं और अपनी यूनिक जो उनकी वैरायटीज़ हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करते हैं। तो एक तरह से ये एक हमारा कौमी फंक्शन हो जाता है जहाँ पे हमारे सारे सूबों के लोग और उसके अलावा रियासतों के जो लोग हैं वो वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो के एक कॉमन मिशन के लिए काम करते हैं जो कि ज़िम्मेदार की बेहतरी है। इसका मकसद मेनली ये है कि ज़िम्मेदार को उसकी जो प्रोडक्ट है जो कि आम है उसके ऊपर वो मेहनत करता है उसको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए कि वो प्रोड्यूसर
कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच सके, ताकि उसका जो मिडल मैन बहुत सारा पैसा ले जाता है वो उसकी डायरेक्ट जेब में जाए और जिससे उसको मज़ीद फ़ायदा हो और वो अगले सालों के लिए अपना बेहतर तरीके से मनसूबाबंदी कर सके। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने, जैसे वाइस चांसलर साहब ने इशारा फरमाया कि हमने एक यूनिफ्रेश के नाम से ब्रांड रजिस्टर किया और उसमें हम ज़िम्मेदारों को रजिस्टर करते हैं बाकायदा हर साल, और उनको रजिस्टर करने के बाद उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं कि आपने आम को पालना कैसे है, उसको फिर तुड़ाई कैसे करनी है, उसमें से जो स्पेशली डी सैपिंग जो है उसकी वो आपने कैसे करनी है, और फिर उसके बाद उसको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके, यानी छोटा बड़ा आम आपने अलहदा करके उसको डब्बे में कैसे पैक करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डब्बे में ज़ाहिर है छोटे बड़े आम रखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, उसको एक यूनिफॉर्म साइज़ जो है उसके साथ आप रखें ताकि खूबसूरती जो है वो भी उसके साथ आए। फिर इसके अंदर जो है वो डब्बा जो स्पेशली हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी एक यूनिवर्सिटी को और तमाम इदारे जो इसके साथ हैं उनको क्रेडिट जाता है कि, और हमारा ये मिशन है कि इंशाल्लाह अगले 5 से 7 सालों में हम लकड़ी की जो पेटी है इसको मेजर तौर पर ख़त्म कर देंगे और जो डब्बा है उसके अंदर ही पैकिंग होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी लोकल मार्केट को इस लेवल तक ऊपर नहीं ले जाते कि वो इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सके तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस सिलसिले में हम जो है वो सेंटोरस में 27, 28 और 29 जून को इंशाल्लाह इस साल भी जो है फेस्टिवल कर रहे हैं, और इसमें सारे सूबों की शमूलियत होगी, वहाँ से फार्मर रजिस्टर हो रहे हैं, वो अपनी वैराइटीज़ जो हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और इसके अलावा उनको वहाँ पे सेल पॉइंट भी दिया जाएगा कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे, फेस्टिवल तो 3 दिन का है लेकिन 1 महीने के लिए वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस होगी। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेंटोरस माल जो इंतज़ामिया है, जो उसके ऑनर हैं सरदार तमीर अलियास खान, उनका इस यूनिवर्सिटी के साथ भी उनका बहुत अच्छे रवाबत हैं और वो रिसर्च को बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं, और वहाँ पे भी जो उन्होंने ज़िम्मेदारों को एक्सेस दी है वो भी बगैर किसी पैसों के है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो हाई एंड मार्केट में बेच सकता है। 3 दिन में जी वहाँ पर जो सबसे पहले है वो तो एक एग्ज़िबिशन है, एग्ज़िबिशन के लिए जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने मदऊ किया है वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान, इनमें से कोई एक जो है वो वहाँ पे आएंगे, और इसके अलावा जो मेन वहाँ पे चीज़ है कि आपको पता है कैपिटल इस्लामाबाद है और वहाँ की मेन मार्केट है ये, तो वहाँ पे बाहर के जो मंदुबीन हैं सफरा हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक एक्सेस है ताकि वो एक बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं लोगों के वहाँ पे, और एक्सपोर्ट के लिए बड़े चांसेस जो हैं वो आगे होते हैं। दूसरी इसके अंदर चीज़ है कि वहाँ पे छोटी छोटी कार्ड्स इस दफ़ा हम बना रहे हैं जिसके ऊपर वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे और उसके साथ अपना प्रोडक्ट जो है वो ज़िम्मेदार बेच भी सकेगा, ताकि वो उसको उसकी प्रोडक्ट का जो है वो सही पैसे जो है। ये सिर्फ मैंगो जो है वो फल की ही सेल का जो है वो जगह नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो इसकी वैली प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कहते हैं उनको भी हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें ड्राई मैंगो जो है वो एक बहुत बड़ी आप समझें कि मार्केट अगले दौर में इंट्रोड्यूस होने जा रही है, क्योंकि जब जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसकी कंजम्पशन जो है वो लोकल लेवल के ऊपर उतनी नहीं होगी तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो है उसको बाई प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, तो इसके अंदर ड्राई मैंगो है, फिर उसके अंदर उसका पल्प बना के जो जूसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, फिर इसके अलावा इसमें मैंगो लेदर्स होते हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट पैकिंग वाले जो मटेरियल्स बेचने वाले वो भी वहाँ पे लोग मौजूद होंगे कि वो अपनी भी मार्केटिंग डिफरेंट तरीक़ों से कर सके। इसके अलावा जो एक और बहुत खूबसूरत चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे नर्सरी वाले भी हम साथ लेके जाते हैं, तो पौधे वहाँ पे मौजूद होते हैं,
जिस बंदे को जिस वैरायटी का पौधा चाहिए तो वहीं पे उसको जो है वो कलम करके पौधा उसी वक्त उसको दे दिया जाता है। तो ये एक लोगों के अंदर जो है वो पौधे, आम के पौधे लगाने का भी एक शौक़ जो है वो वहाँ से परवान चढ़ता है और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है वो शजरकारी जो है वो आमों की हो रही है। जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने फरमाया कि हमारा जो विजन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट के प्लांट्स हैं वो लगाए जाएँ, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे चिरिंद प्रेम थे जो पिछले सालों में दरख्त कटने से गायब हो गए, अब जब फल वाले पौधे आएंगे तो वो दोबारा से वापस आएंगे। जब वो दोबारा से वापस आएंगे तो जो हमारा इस साल का कंसेप्ट है कि रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो दोबारा से वापस आएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगेबान। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल।